घर में या लाउंड्री में कपड़े तो प्रेस हम करते ही हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जब हम कपड़े तो प्रेस करना तेजी से चाहते हैं, लेकिन हमारी स्पीड के साथ प्रेस तेजी से चलता नहीं है। मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं। अगर हाँ, तो यह वीडियो इसी टॉपिक पे है कि हम समझेंगे कि प्रेस की मूवमेंट को फास्ट कैसे करें, और खास तौर से लॉन्ड्री बिजनेस में जब हम स्टार्च के कपड़े प्रेस करते हैं तो यह दिक्कत ज़्यादा आती है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे यह प्रेस गंदा हो जाता है, जिसके वजह से प्रेस की मूवमेंट और अच्छे से नहीं हो पाती है। और इसके लिए जितना भी प्रयास करिए, नॉर्मल कपड़े से पोंछने पे भी ये साफ नहीं होता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि गलती से प्रेस ज़्यादा गर्म हो तो कपड़े भी चिपक जल जाते हैं और वह गंदगी निकलती नहीं है। तो बात तो सही है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ट्रिक हैं प्रेस को साफ करने के लिए। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये एल्युमिनियम फॉयल है जिसको सिल्वर फॉयल बोलते हैं। इसको एक टुकड़ा मैंने काटा है और इस पे जो घर में नमक होता है उसको मैंने इस पे स्प्रिंकल कर दिया है, थोड़ा सा छिड़क दिया है। और प्रेस को गर्म करेंगे और इस पे मूवमेंट करेंगे तकरीबन 1 मिनट के आसपास। और प्रेस को नॉर्मल जो गर्म होता है उसके हिसाब से रखेंगे और सावधानी के साथ इस पे रब करेंगे। आप देखेंगे काफ़ी हद तक गंदगी इसकी निकल जाएगी और प्रेस स्मूथ हो जाएगा। ये ट्रिक नंबर ये है, एक है कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे। दूसरा ट्रिक है, एक मुलायम पॉलीथीन लेंगे और प्रेस का जो सरफेस है उसके हिसाब से इसको रोल कर लेंगे और गर्म प्रेस को ही इस पे मूवमेंट करेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस प्रयास से प्रेस की जो गंदगी होगी इस पॉलीथीन में चिपक जाएगी और प्रेस स्मूथ हो जाएगा। ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉलीथीन जो है प्रेस में नहीं चिपकेगा। अब देखिए कितना बढ़िया हो गया प्रेस। तीसरी ट्रिक है, यह एक कोई पेन किलर लेंगे या पैरासीटामोल लेंगे और यह ट्रिक जो है जले हुए प्रेस पे ज़्यादा अच्छा काम करती है। गर्म प्रेस रहेगा, इस पे हम सावधानी से रब करेंगे, हाथ को बचा के रखेंगे कि जले ना। खुले में इसको करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें हल्का सा गंध निकलती है जब इस टिकिया को या इस दवा को इस पे हम रगड़ते हैं, और काफ़ी हद तक जो गंदगी है वो निकल जाएगी। और उसके बाद से हम किसी साफ कपड़े से इसको पोंछ देंगे, लेकिन सावधानी से, हाथ को आपको नहीं जलाना है। ये तीन ट्रिक बहुत काम की है और आप अपने गंदे प्रेस को, जले हुए प्रेस को अच्छे तरीके से साफ कर पाएंगे। आपने देखा इन तीनों ट्रिक को, आप इन तीनों ट्रिक में से किसी को भी अपना सकते हैं और लॉन्ड्री के प्रेस हो, घर के प्रेस हों, आप उनको साफ कर सकते हैं, चमका सकते हैं। तो इन ट्रिक का इस्तेमाल करिए और प्रेस की मूवमेंट को फास्ट करिए। आपने इस वीडियो को देखा, कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।